आप लोग को आज एक नया वीडियो दिखाने वाला है जो कि मेरा बाइक के ऊपर होगा। आज मेरा बाइक का ये हालत हो गया कि आप लोग देखिए हम बना देगा, मतलब आप लोग को बाइक चलाने आने से भी आप लोग बाइक ही बनाने आना है वही है, आप लोग को कुछ दिखाएगा। ये देखिएगा इस फाइनली मेरा बाइक का ये चेन टूट गया, ये देखो इस पॉकेट का हालत, और ये देखो इस पॉकेट का हालत। ये अभी आज मौलाबाद सेन इस पॉकेट सेट चेंज करने वाला है हम का भाई, खुद से मौलाब अपना सेन इस पॉकेट चेंज करेगा। आप लोग देखते रहिए वीडियो को गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल उधर एक तो ब्रेक पकड़ने वाला नोट होता है, ब्रेक लीवर का, ब्रेक लीवर खुलना है, उसके बाद चेक नोट खुलना है, उसके बाद चक्का निकालना है, उसके बाद इस पॉकेट का चक्का रख के इस पॉकेट खुलना है। गाइस फाइनली तो चक्का का एक्सल निकाल दिया, चक्का निकाल दिया, अभी बस इस पॉकेट खुलना है, बस देखते रहिए आप लोग। गाइस चक्का रख के, चक्का का इस पॉकेट का कबलिंग नंबर को रख के इस पॉकेट को डाल के जगह में डाल के, मतलब अच्छा से तीर इंच से खुलना है। 12 नंबर ठीक आते हैं इस पॉकेट का नोट को, पर यह मैं नहीं खुल सक रहा, मेरा ये बहुत मेहनत का बात भी नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि ये थी थोड़ा डुप्लीकेट टाइप का था, थ्रेड खा चुका था, उसका दांत नहीं था। तो आप लोग अगर टी रेंज नहीं होने से रिंग रेंज से खुलना है, हम साइज रिंग भी मेरे पास नहीं है, इसलिए हम साइज से भी खुलने के लिए ट्राई कर रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं हमको खुलने के लिए ट्राई कर रहा है, लाख कोशिश करने का बाद फाइनली खुल दिया। गाइस फाइनली फिट पट कर दिया, एडजस्ट करके वहाँ से रेंज मिला था, फाइनली फिट पट कर दिया, अभी फिट कर रहे, फिट करेगा और करना। गाइस फाइनली चक्का फिट कर रहा है, अभी फाइनली टाइट हो गया। गाइस ये तो मेरा जेन्युइन यामाहा का स्पेयर पार्ट्स था जो हम डाला है अभी से इन इस पॉकेट। प्राइस है 1707 रुपीज़, इसका जेन्युइन प्राइस लिया है और जेन्युइन पार्ट्स है बोलता है, अच्छा चलेगा बोलता है, अच्छा खासा। ये तो अभी हम डाल चुका है ऑलरेडी, ये था मेरा जेन्युइन पार्ट्स यामाहा का था, क्योंकि मेरा गाड़ी भी यामाहा का है, इसको हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये बहुत रिस्की है गाइस, बहुत मेहनत से पीट करना पड़ा है, स्विंग आर्म खुलना पड़ा है, क्योंकि ये स्पेयर पार्ट्स में सेन लॉक सिस्टम नहीं दिया था, इसलिए हमको मतलब स्विंग आर्म खुलना पड़ गया। क्योंकि मतलब हम सोचा है कि स्विंग आर्म नहीं खुल के भी सेन को भी टूटा के, मतलब जैसे कि टूटा के भी लॉक लगा सकता था, लेकिन मेरा पास ये बस्ती था, हम लॉक लेके नहीं आया था, और लॉक मिलना मुश्किल है, बस्ती है हम लोग का ये एरिया में, क्योंकि इसलिए हम स्विंग आर्म खुल के पूरा आप लोगों को हम स्विंग आर्म खुलने वाला को दिखाने नहीं पाया, क्योंकि मेरा बैटरी डाउन हो गया था, इसलिए मतलब स्विंग आर्म खुलने वाला को दिखाने नहीं पाया। लेकिन स्विंग आर्म खुला है, तो आप लोग तो दिखाया होगा क्यों चेन को बार क्यों खुला, मतलब पीछे का मोड गार्ड क्यों हम खुलना था, नहीं तो आप लोग को दिखाने नहीं पाया स्विंग आर्म का। लेकिन हम स्विंग आर्म खुल के पीट किए हैं, बहुत समय लग गया आपका बाइक। अगर आप लोग मतलब ये वीडियो को अच्छा लगा है तो, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इतना मेहनत कर रहे हैं ना आपका भाई, जो मतलब खुद को मतलब खुद से आप लोग को ये बताने के लिए आप लोग को हम
ये वीडियो इसलिए बना रहा है कि क्योंकि मतलब आप लोग भी अगर बाइक चलाना आता है तो थोड़ा मोड़ा जैसे कि बाइक का रनिंग पार्ट्स को एटलीस्ट इंजन को नहीं सीखने से भी रनिंग पार्ट्स को एटलीस्ट मतलब करने आना है बोल के मतलब हमको हम ये है कि मतलब हम खुद को जो गाड़ी हम चलाते हैं मतलब जो गाड़ी को हम थोड़ा मोड़ा एक साल दो साल से लाएगा उसका मतलब हम सब कुछ मतलब जब मतलब हम नया नया में जब नया लेगा तब मैकेनिक को बनाने देगा उस समय हम पूरा ऑल टोटल डिटेल्स पूछेगा कैसा करना है क्या करना है और उसके बाद हम खुद ट्राई करता है और हम खुद करता है। और अभी भी देखिए आप लोगों को हम सेन स्पॉकेट भी डाल के दिखाया है और जब भी मेरा गाड़ी अभी सर्विसिंग का समय भी आ गया जब हम और एक बार आप लोगों को हम सर्विसिंग करके भी मेरा गाड़ी को दिखाएगा और सिर्फ मेरा बाइक को नहीं मेरा बाइक तो पेयर है मेरा उसको भी हम दिखाएगा सर्विसिंग और मेरा ये पुष्पा पुष्पा का सर्विसिंग भी हम खुद करता है आता है हमको करने और रेंज सिर्फ मतलब ज़रूरी होता है उसमें हम रेंज ओके करके मतलब खुद हम आप लोग को जब समय आएगा मेरा क्योंकि हम मेरा पुष्पा का उसका वीडियो नहीं बनाया था मेरा पुष्पा का हम एक महीना हो गया मेरा पुष्पा का हम रिस्ट मतलब फुल सर्विसिंग करके रखा है अभी फिर मतलब थोड़ा दिन चलाने के बाद फिर हम जब समय लगेगा मतलब खुद को लगेगा चलाने मज़ा नहीं है तब मतलब कुछ सर्विसिंग करेगा तब आप लोग को वो उसका सर्विसिंग भी हम दिखाएगा। थैंक यू अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरा चैनल। और अभी जस्ट मतलब बना बना के हाथ पैर पूरा खाला हो गया था उसको मतलब सफा करके नहा धोहा के मतलब अच्छा से बेच रहे हैं हम। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत। नहाने वहाने का बाद ये ट्राई करने आया था क्योंकि सेन स्पॉकेट नया है तो आपका भाई आप लोग को एक दिन अच्छा से स्टैंड करके दिखाएगा क्योंकि हम घर वाला लोग आजकल स्टैंड करने से गाली देते हैं इसलिए हम स्टैंड आप लोग को नहीं दिखा रहे लेकिन आप लोग अच्छा सपोर्ट देगा तो हम स्टैंड जरूर